दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। बुधवार सुबह बारिश से मौसम सुहाना बन गया। इससे पहले मंगलवार को जहां कई इलाकों में हल्की बारिश देखी गई थी, वहीं उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान किया था। मौसम विभाग ने बुधवार और गुरुवार को दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है। दिल्ली के अक्षरधाम समेत अलग अलग इलाकों में बारिश हो रही है, जिससे सड़कें लबालब हो गई हैं। बारिश से जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई, सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए। मौसम विभाग ने बुधवार के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान मौसम में हल्के बादल छाए रहेंगे, इससे अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। मंगलवार को सुबह से ही आसमान में हल्के बादल छाए रहे, इसके बाद बारिश का दौर शुरू हुआ। वहीं मयूर विहार में 8.5, पालम में 6.6, पूसा में 6.0, पीतमपुरा में 3.5, आयानगर में 0.7 mm लोदी रोड, वर्रेज में बारिश ट्रेस की गई। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य है। वहीं शाम को भी तेज हवा चली, इससे तापमान में कमी देखने को मिली है। नमी का स्तर 95 से 65% रहा। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को आयानगर सर्वाधिक गर्म रहा, यहां अधिकतम 35.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पालम व लोधी रोड में 35, ब्रिज में 33.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। सबसे कम न्यूनतम तापमान ब्रिज में 22.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव कुछ राज्यों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है, इनमें गुजरात और महाराष्ट्र शामिल है। मुंबई में जहां तेज बारिश से कई सड़कें डूबी रही, वहीं गुजरात के कच्छ जिले के नखत्राणा तालुका में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यहां सड़कों पर नदियों जैसे तेज बहाव से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसी के साथ यूपी उत्तराखंड सहित 11 राज्यों में बुधवार को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में मौसम के ऑरेंज अलर्ट के बीच सोमवार रात को कांगड़ा, धर्मशाला, पालमपुर और धौलाकुआ में भारी बारिश हुई। मंगलवार को ज्यादातर क्षेत्रों में हल्के बादल छाए रहे। राजधानी शिमला और धर्मशाला में बूंदाबांदी हुई। मैदानी जिलों में बारिश नहीं होने से मौसम में उमस बढ़ गई है। ऊना में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। प्रदेश में 25 सड़कें, 97 बिजली ट्रांसफार्मर और 13 पेयजल योजनाएं ठप हैं। मंडी जिले के कई क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित चल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने बुधवार को भी प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया है। 29 जुलाई तक प्रदेश में मानसून सक्रिय रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने जिन राज्यों में बुधवार को बहुत भारी बारिश की संभावना जताई थी, उनमें उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा व छत्तीसगढ़ शामिल है। इसके साथ ही हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी और राजस्थान में 26 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरात की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग की ओर से राज्य के कुछ इलाकों में 26 जुलाई तक लगातार 4 दिनों तक भारी से अतिवर्षा की भविष्यवाणी की गई है। कच्छ जिले के नखत्राणा तालुका में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यहां सड़कों पर नदियों जैसे तेज बहाव से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नखत्राणा की ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। नाना अंगिया और बिग अंगिया गांव के बीच बहने वाली भूखी नदी से दोनों गांवों को जोड़ने वाली पूरी सड़क बह गई है। इसके अलावा जामजोधपुर के सोगाथी बांध में भी दरार आ गई है। वलसाड जिले के औरंगा, पार, कोलक, दमगंगा, मान नदी, तन नदी समेत सभी नदियां उफान पर हैं। इसके चलते जिले की 47 सड़कों पर आगमन रोक दिया गया है। जिले में नदियों का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एनडीआरएफ की एक टीम को स्टैंडबाय पर रखा गया है। इस तरह की और अहम खबरों के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।